आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का अर्थ प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस पर पूर्व में मैं अपना एक वक्तव्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज हम इसे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या है और इसकी प्रकृति क्या है, और साथ ही हम आर्थिक भूगोल में किन पक्षों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक स्लाइड आपको दिख रही है, इसमें आर्थिक भूगोल की शाखाओं को दर्शाया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक विशिष्ट शाखा है, या यूँ कहें कि मानव के द्वारा जितने भी कार्य स्वयं के जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं, उन सभी कार्यों को हम आर्थिक भूगोल में सम्मिलित करते हैं। आर्थिक भूगोल मनुष्य की उन क्रियाओं से संबंधित है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रकृति ही हमें वस्तुएं प्रदान करती है और मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा, अपने स्किल के द्वारा, अपनी तकनीक के द्वारा उनका उपयोग करता है और उन्हें संसाधन बनाता है। इस बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे कि वास्तव में संसाधन क्या है और संसाधन किस प्रकार के होते हैं। तो आर्थिक भूगोल की जो शाखाएं हैं, वे वास्तव में मनुष्य की उन आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हैं जो उसके जीविकोपार्जन से संबंधित है। यूँ कहें कि मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए जो जो भी क्रियाएं करता है, चाहे वे सर्विसेज हो, चाहे वो पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों का उपयोग हो, चाहे वे निर्माण हो, परिवहन हो, वाणिज्य हो, उपभोग, विनिमय, इन सभी का सम्मिलित प्रभाव हम आर्थिक भूगोल में देखते हैं। आर्थिक भूगोल की अनेक शाखाएं हो सकती है, लेकिन मूल जिन शाखाओं को हमने यहाँ पर दिया है उसमें कृषि भूगोल है, संसाधन भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, परिवहन भूगोल है और व्यापारिक या वाणिज्यिक भूगोल है। कृषि हमारी मनुष्य के द्वारा की जाने वाली प्राथमिक क्रियाओं में से एक है, जिसके लिए एक क्षेत्र या भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है, मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही जैव जगत के उन पौधों की जरूरत पड़ती है जिनका मनुष्य ने अपने उद्देश्य के लिए चयन किया है। और इस प्रकार से मानव ने प्राकृतिक वनस्पति को हटाकर उसके स्थान पर उन वनस्पतियों को जो उसके लिए उपयोगी थी चयन किया और उन्हें उगाया, उत्पन्न किया और उत्पादन लिया। ये सब कृषि भूगोल से संबंधित है। तो मानव की जो मूलभूत प्राथमिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं, उनमें कृषि एक प्रमुख क्रिया है जिसको मनुष्य आदिम काल से करता आ रहा है। दूसरी शाखा संसाधन भूगोल है। यहाँ पर हम विस्तार से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम संसाधन किसे कहते हैं। प्रकृति से प्राप्त सभी वस्तुएं जिनका मनुष्य उपयोग करता है, वे संसाधन कहलाते हैं। वास्तव में एक विद्वान हुए हैं जिमरमैन, उनकी परिभाषा है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। इससे अभिप्राय, प्रकृति हमें कई वस्तुएं देती है लेकिन यदि हमें उसका उपयोग न पता हो तो वे हमारे लिए संसाधन नहीं है। संसाधन वे जो प्रकृति ने हमें दिया और हमें उसके उपयोग का ज्ञान है, और इस उपयोग के जो ज्ञान है इसके भी कई स्तर हैं। इसको आप यूँ देख सकते हैं कि शक्ति के साधन बहुत सारे हैं, उसमें से सूर्य का प्रकाश भी एक शक्ति है और हम उसको पहले सीमित मात्रा में उपयोग कर पाते थे। सूर्य का प्रकाश हमें प्रकाशित करता है, दिन के समय हमारे को उससे प्रकाश मिलता है, लेकिन उससे विद्युत पैदा करना और उससे कल कारखाने चलाना, घरों में रोशनी करना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज चलाना, ये सब सोलर एनर्जी से संभव हुआ है। तो सोलर एनर्जी का उपयोग हमने किया, तकनीक के आधार पर उसे स्टोर किया और उसे फिर हम उपयोग में ले रहे हैं, अर्थात हमने
सूर्य की इस शक्ति को जो साधन थी उसे संसाधन बनाया। इसी प्रकार से पेट्रोल का उपयोग, कोयले का उपयोग, ये तमाम वस्तुएं जो प्रकृति हमें देती है उसके उपयोग की अनंत संभावना है, और इस प्रकार से हम संसाधनों के उपयोग और उसके वितरण, उसकी उपलब्धता, उसका आकलन और संसाधनों के उपयोग की जो गत्यात्मकता है, इन सभी का अध्ययन हम संसाधन भूगोल में करते हैं। तो आर्थिक भूगोल की जो दूसरी शाखा है संसाधन भूगोल, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जो मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए आधारभूत वस्तुओं को प्रदान करती है। खनिज संसाधन, भूमि संसाधन, वनस्पति संसाधन, पशु संसाधन, जनसंख्या एक संसाधन के रूप में, ये सभी संसाधन जो आर्थिक भूगोल के कंपोनेंट हैं, घटक हैं, और इनसे मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करता है। इस प्रकार संसाधन भूगोल भी आर्थिक भूगोल की शाखाओं में अपना प्रधान स्थान रखती है। इसके बाद तीसरा औद्योगिक भूगोल है। औद्योगिक भूगोल प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के विनिर्माण से संबंधित है, मैन्युफैक्चरिंग। उद्योग का सामान्य अर्थ यही है कि प्रकृति से जो हमें रॉ मटेरियल मिला है, कच्चा माल मिला है, कच्चे साधन मिले हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन और उसकी गुणवत्ता और उसके मूल्य में वृद्धि करना। और इस प्रकार से उद्योगों के द्वारा हम प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के रूप में परिवर्तन करते हैं और इसे हम विनिर्माण से संबंधित समझते हैं। तो प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का विनिमय होता है, कारखाने खोले जाते हैं, वहाँ पर उनका उपयोग होता है और उससे जो वस्तुओं का निर्माण होता है वो हमारे मानव समुदाय के काम में आती है। इस प्रकार उद्योगों का विकास, उद्योगों के लिए आवश्यक तत्व, उद्योगों के लिए आवश्यक भौगोलिक अवस्थाएँ, उद्योगों के लिए आवश्यक खनिज संसाधन, मानव संसाधन और भी तमाम सुविधाएं जो उसके लिए आवश्यक है, उन सब का क्षेत्र के संदर्भ में वितरण का विश्लेषण क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है, और साथ ही पूरे संसार में औद्योगिक गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। तो औद्योगिक भूगोल एक तरह से आर्थिक भूगोल का एक विशिष्ट शाखा है जो उद्योगों से संबंधित है। इसके बाद जो चौथी शाखा है आर्थिक भूगोल की, उसे हम परिवहन भूगोल के नाम से जानते हैं। जो वस्तुओं का उत्पादन उद्योगों के द्वारा हुआ है या कृषि के द्वारा हुआ है या संसाधन जहाँ से हमने पृथ्वी से प्राप्त किए हैं, वे अपने ही स्थान पर अगर पड़े रहेंगे तो उनका आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होगा, लेकिन जहाँ उसकी 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 मांग है, जहाँ पर उसकी डिमांड है, वहाँ पर यदि हम उसे ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो परिवहन जाल, एक तरह से हम यूँ कहें कि परिवहन का जो नेटवर्क है, यह जाल वास्तव में संसाधनों को गति प्रदान करता है और संसाधनों के उपयोग की असीम संभावना को खोलता है। तो परिवहन एक ऐसा पक्ष है जो आर्थिक भूगोल में होने वाली गतिविधियों को गति प्रदान करता है, और इस कारण से हम परिवहन भूगोल को भी आर्थिक भूगोल की एक विशिष्ट शाखा के रूप में जानते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इसमें परिवहन के साधन, परिवहन मार्ग, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी गुणवत्ता, उपयोगिता और किसी देश या क्षेत्र के संदर्भ में परिवहन की सुविधाओं का आकलन, अलग अलग संसाधनों के तुलनात्मक अध्ययन आदि किए जाते हैं। अंत में आर्थिक भूगोल की एक अन्य शाखा वाणिज्यिक भूगोल है, या जिसे हम व्यापारिक भूगोल भी कह सकते हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान तभी हो सकता है जब कहीं पर उसकी मांग हो और कहीं से उसकी पूर्ति हो, और पूर्ति करने वाला निश्चित रूप से अधिक उत्पादन कर रहा है, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद शेष माल का या शेष उपलब्ध संसाधनों का वह वितरण करने के लिए तैयार है। और इस प्रकार से आदान प्रदान का जो ये कार्य है आर्थिक भूगोल का एक प्रमुख कार्य है। तो क्षेत्र के संदर्भ में
वस्तुओं के विनिमय के आदान प्रदान का विश्लेषण आर्थिक भूगोल में किया जाता है, और इस तरह से एक व्यापारिक या वाणिज्यिक भूगोल का विकास हुआ। इसे भी हम आर्थिक भूगोल की एक विशिष्ट शाखा मान सकते हैं। अब हम आते हैं आर्थिक भूगोल का उद्देश्य क्या है, हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है कि हम आर्थिक भूगोल पढ़ें। इस संदर्भ में मैं ये बात कह सकता हूँ कि आर्थिक भूगोल जैसा कि मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, तो मानव के द्वारा ही अध्ययन किया जाता है। तो मानव ने जिन संसाधनों का विकास किया, जिन जैविक संसाधनों का विकास किया, उन संसाधनों से जो आर्थिक जगत का निर्माण हुआ है, इस आर्थिक जगत की होने वाली क्रियाओं के मध्य क्या संबंध है, इसे जानने के लिए विशेष उद्देश्यों की स्थापना की गई। और आर्थिक भूगोल के उद्देश्यों को हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहला हमने लिखा है मानव के आर्थिक कार्यों पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों का आकलन। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कई जलवायु कटिबंध हैं, कहीं पर संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, कहीं पर संसाधनों की बेहद कमी है, कहीं पर समतल धरातल है, कहीं पर उबड़ खाबड़ धरातल है, कहीं पठारी भाग है, कहीं पर्वतीय भाग है, कहीं दुर्गम वन है, कहीं समुद्र की निकटता है, कहीं समुद्र से दूरी है। इस प्रकार की तमाम प्राकृतिक विशेषताएं क्षेत्र के संदर्भ में यदि हम इसका आकलन करें, तो वहां पर इन सभी विशेषताओं का प्रभाव आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है। तो आर्थिक भूगोल में हमें निश्चित रूप से आर्थिक क्रियाओं पर होने वाले प्राकृतिक वातावरण को समझना और देखना चाहिए, जिससे कि आर्थिक क्रियाओं को बाधा देने वाले कौन से प्राकृतिक वातावरण है, और आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने वाले या आर्थिक क्रियाओं को संबल प्रदान करने वाले कौन से प्राकृतिक वातावरण हैं, और ये जो भिन्नता है प्राकृतिक वातावरण की, यही भिन्नता स्थान स्थान पर पाए जाने वाले मानव समुदाय के मध्य आर्थिक गतिविधियों में भिन्नता उत्पन्न करती है। दूसरा उद्देश्य क्षेत्र के संदर्भ में वितरण संबंध विशेषताओं का विश्लेषण। संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र के संदर्भ में वितरण को यदि हम देखें, तो कहीं पर बहुत अधिक औद्योगिकरण हुआ है, कहीं पर खनन कार्य हो रहा है, कहीं पर कोई भाग कृषि कार्य से संबंधित है, कहीं पर पशुपालन और पशुचारण से संबंधित कार्य हो रहा है, कहीं पर आखेट हो रहा है, कहीं लोग अपने प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कहीं पर विनिर्माण उद्योग बहुत अधिक विकसित हुआ है, कहीं पर जो आर्थिक सेवाएं हैं उनकी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से क्षेत्र के संदर्भ में आर्थिक क्रियाओं के वितरण और उसकी विशेषताएं, उनकी गुणवत्ता आदि का विश्लेषण इसमें आर्थिक भूगोल में किया जाता है। तीसरा जो उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का आकलन, उपयोग तथा उनके दोहन संबंधी तकनीक का विकास। प्राकृतिक संसाधन कहाँ पर कितने उपलब्ध हैं, उसे कैसे उसका उपयोग किया जाए, और उससे संबंधित जो तकनीक है वह किसी स्थान विशेष पर कैसी है, इस पर निर्भर करता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उस स्थान विशेष पर रहने वाले मानवों ने कैसा उसका उपयोग किया है, और अंततः उसके उपयोग की कहानी, उसके विकास की कहानी है। हमारे को पृथ्वी पर कई देश ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम औद्योगिक दृष्टि से संपन्न देश कहते हैं, कुछ निर्धन देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं। तो ये जो अंतर है, ये अंतर वास्तव में वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है, उस समुदाय ने जो वहाँ पर निवास करता है उसने उनका कैसा उपयोग किया है, और अपने आर्थिक विकास में उनका किस प्रकार से दोहन किया है, शोषण किया है, इसकी कहानी इससे संबंधित है। फिर है संसाधनों के उपयोग विनिमय की प्रक्रिया का विश्लेषण। संसाधनों का कौन कितना उपयोग करता है और उसका विनिमय किस स्तर पर होता है, यह भी आर्थिक भूगोल का एक उद्देश्य है। इसका विश्लेषण आर्थिक भूगोल में किया जाता है। और अंत में आर्थिक क्रियाओं के विकास हेतु सुझाव। हर मानव समुदाय जो किसी क्षेत्र विशेष या देश विशेष में रहता है, वह अपने आर्थिक क्रियाओं का विकास करके और अपनी जीविका को और ज़्यादा संपन्न और ज़्यादा सुविधाजनक बनाना चाहता है। इस हेतु मानव आर्थिक भूगोल में जिन पक्षों का अध्ययन किया जाता है, वे आर्थिक क्रियाओं के विकास हेतु आर्थिक भूगोल
सुझाव देता है और इस प्रकार से हम आर्थिक भूगोल के उद्देश्यों को जान सकते हैं। धन्यवाद। अरे इसमें क्या हो रहा है? अब मेरे को तो बंद करने ही नहीं आ रहा। ये मैंने इसको किया था इसके अंदर।